तो इस क्वेश्चन में ये इक्वेशन हमको गिवन है ना, और इसमें सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन हमसे पूछा है कि एक्स की कौन सी वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, उनका हमको सम बताना है ना। तो ये जो मॉड के लिए हम यदि एक केस ये ले लें ना, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ठीक है ना, तो इसमें तो गिवन इक्वेशन जो होगी वो आ जाएगी मॉड ऑफ एक्स माइनस वन की पावर ए इक्वल टू एक्स माइनस वन की पावर सेवन। तो यहां से तो हम लिख देंगे आइदर एक्स माइनस वन इक्वल टू वन और ए इक्वल टू सेवन, क्योंकि एक्स माइनस वन वन होगा तो वन की पावर ए वन ही रहेगा और वन की पावर सेवन इक्वल टू वन, तो ये दोनों चीज सेम रहेंगी। तो एक सॉल्यूशन तो हमारे पास ये आ गया एक्स इक्वल टू टू, ठीक है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे ना, तो इट विल बिकम, इसको मैं यहीं पे पहले सॉल्व कर लेता हूं, तो ए इज टू मॉड एक्स माइनस नाइन को थ्री स्क्वायर लिख लें, तो इधर जाके कितना हो जाएगा फोर, माइनस फोर, इसको नीचे ले जाएंगे ये हो जाएगा ना, क्योंकि एक्स हमने ले रखा है ग्रेटर इक्वल टू वन, तो मॉड को हमने प्लस से ओपन कर दिया, तो इट विल बिकम टू टी माइनस फोर अपॉन टी इक्वल टू सेवन, जहां पे टी है लॉग एक्स बेस थ्री, ठीक है ना। तो इक्वेशन बन जाएगी टू टी स्क्वायर माइनस सेवन टी माइनस फोर इक्वल टू जीरो, और इसके फैक्टर्स आ जाएंगे टी माइनस फोर एंड टू टी प्लस वन। तो यहां से आ गया टी इक्वल टू फोर और टी इक्वल टू माइनस वन बाई टू, दैट इज टी हमने मान रखा है लॉग एक्स बेस थ्री, और लॉग एक्स बेस थ्री को टू माइनस वन बाई टू, तो एक्स यहां से तो आ गया थ्री की पावर फोर और यहां से आ गया थ्री की पावर माइनस वन बाई टू। ये वैल्यू तो रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि एक्स कैसा है ग्रेटर इक्वल टू वन, है ना। ठीक है ना, और ये वैल्यू एक्सेप्टेड हो जाएगी। तो एक तो आ गया टू और एक आ गया एट्टी वन। एक जब केस एक्स लेस देन वन वाला केस देखेंगे तो उसमें तो क्लियरली कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा ना, क्योंकि एलएचएस तो कैसा आएगा पॉजिटिव, है ना, क्योंकि मॉड है, मॉड की वैल्यू कभी नेगेटिव होगी नहीं, और आरएचएस इस केस में हो जाएगा नेगेटिव, देयरफॉर नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो दो सॉल्यूशन आ गए, एक तो एक्स इक्वल टू और एक एक्स इक्वल टू 81, तो सम कितना आ जाएगा 2 प्लस 81 दैट इज इक्वल टू 83, दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज 3।